सारण एसपी संतोष कुमार ने बनियापुर के कराह में गरीबों के बीच 221 कंबल का वितरण किया। इस मौके पर एसपी ने कहा कि छठ महाव्रत यह बताता है कि जिसका अस्त हुआ है उसका उदय होगा और जिसका उदय हुआ है उसके पास ऊर्जा है और जिसके पास ऊर्जा होगी वही समाज में सकारात्मक कार्य कर दूसरे की मदद कर सकते हैं। उन्होंने पूजा समिति के द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम को मानवता की सेवा बताया और समाज के सभी लोगों से समाज के अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचाने की अपील की। साथ ही सारण पुलिस की ओर से आयोजकों को धन्यवाद दिया। एसपी आज बनियापुर प्रखंड के हरपुर कराह गांव स्थित गंडकी नदी तट पर छठ पूजा समिति के द्वारा आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में पहुंचे और चिन्हित गरीबों के बीच कंबल वितरण किया। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक राकेश निकुंभ ने एसपी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं एसपी आयोजन समिति के आग्रह पर धोपा सिंह, विनोद कुमार सिंह, नरसिंह सिंह, अंबुज कुमार, सूरज सिंह, सोनू कुमार, विपुल सिंह, सुमंत कुमार, विपिन मिश्रा, मनोज पाठक को सम्मानित किए। बताती है जो सामाजिक समरसता और सामाजिक समानता के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण प्रकृति के साथ हमारा जुड़ाव और हमारी कृतज्ञता प्रकट करने का यह समय होता है। जब जो सूर्य भगवान हमें इतना कुछ देते हैं इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर अगर कुछ भी है तो सारी ऊर्जा हमें सूर्य भगवान से मिलता है और उन सारी ऊर्जाओं को प्राप्त करके ही इस पृथ्वी पर सब कुछ संभव हुआ है और चल रहा है। उसको पूजने का काम, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना और एक बहुत बड़ा और भी बड़ी कृतज्ञता की बात है कि हर चीज, हर जगह लोग उगते हुए चीज की पूजन करते हैं लेकिन यहाँ डूबते हुए सूरज की पूजा से ही प्रारंभ होती है पूजा और वो समाप्त होता है उगते हुए उस आशा के साथ कि जो डूबता है वो उगता भी है और जो उगता है वही ऊर्जा देता है और जिसके पास ऊर्जा है वही दूसरे के लिए कुछ कर सकता है। आप सभी ऊर्जावान साथियों को पुनः धन्यवाद देते हुए और मुझे यहाँ बुलाने के लिए आप सबों का आभार व्यक्त करते हुए पुनः आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। छठ पर्व समाप्त हुआ है लेकिन वो जज्बा समाप्त ना हो और ये संस्कृति आगे बढ़े, आपकी परंपरा और मजबूत हो और जो कार्य आप कर रहे हैं इस कार्य में आप सबको मजबूती मिले और सिद्धि मिले और प्रसिद्धि मिले इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।